हाय फ्रेंड्स, आइए आज डिस्कस करते हैं 19 फीट बाई 44 फीट के हाउस प्लान पर। ये प्लॉट ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। इस प्लॉट के मैप में इसकी आउटर वॉल्स की थिकनेस 9 इंचेस है और इनर वॉल्स की थिकनेस 4 इंचेस। इसकी विड्थ 19 फीट है, इसकी लेंथ 44 फीट। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा मेन एंट्रेंस है और ये पोर्च एरिया। पोर्च एरिया की डायमेंशन 10 फीट बाई 17 फीट। ये हमारे स्टेयर्स हैं। पोर्च एरिया से ही हमने यहाँ पे ये ओपन पैसेज छोड़ा हुआ है 5.6 फीट का। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मेन डोर है जो कि 4 फीट का है और ये लिविंग रूम। लिविंग रूम की डायमेंशन 17.6 फीट बाई 12.10 फीट। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा लिविंग रूम है। लिविंग रूम से ही ये किचन। किचन की डायमेंशन 7.2 फीट बाई 11.2 फीट। किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो डिज़ाइन की गई है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम की डायमेंशन 5.2 फीट बाई 7.8 फीट। वॉशरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर वेंटिलेटर दिया गया है और ये शाफ्ट। शाफ्ट की डायमेंशन 5.2 फीट बाई 4 फीट। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बेडरूम है। बेडरूम की डायमेंशन 12 फीट बाई 12 फीट। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो डिज़ाइन की गई है और ये शाफ्ट। सो फ्रेंड्स, चलिए एक बार पूरा मैप देख लेते हैं। ये हमारा पूरा मैप है। ये मेन एंट्रेंस और ये पोर्च एरिया। पोर्च एरिया की डायमेंशन 10 फीट बाई 17 फीट। ये हमारी स्टेयर्स हैं। पोर्च एरिया से ही हमने यहाँ पे ये ओपन पैसेज छोड़ा हुआ है 5.6 फीट का। आगे बढ़ते हैं। ये मेन डोर है जो कि 4 फीट का है और ये लिविंग रूम। लिविंग रूम की डायमेंशन 17.6 फीट बाई 12.10 फीट। लिविंग रूम से ही ये किचन। किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो डिज़ाइन की गई है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर वेंटिलेटर दिया गया है और ये शाफ्ट। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बेडरूम है। बेडरूम की डायमेंशन 12 फीट बाई 12 फीट। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो डिज़ाइन की गई है और ये शाफ्ट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस शाफ्ट से बेडरूम और वॉशरूम इन दोनों को वेंटिलेशन के लिए कनेक्ट किया गया है। किचन के वेंटिलेशन के लिए ओपन पैसेज की तरफ से यहाँ पे ये विंडो डिज़ाइन की गई है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।